चेहरे पर लगाते हैं यह चीजें तो हो जाएं सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा वीडियोस में। आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से आपका चेहरा सुंदर बनने की बजाय और अधिक बिगड़ जाएगा। इनका इस्तेमाल आपके लिए बेहद घातक हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चेहरा हमारे शरीर का सबसे नाजुक या सेंसिटिव पार्ट माना गया है। ऐसे में किसी भी पदार्थ के प्रयोग से पहले या किसी भी तरह के केमिकल के प्रयोग से पहले आपको रहना है बेहद सावधान, क्योंकि आपके चेहरे को बिगाड़ने में केवल मेकअप प्रोडक्ट ही कारण नहीं होते, कभी कभी हर्बल चीजें भी आपके चेहरे को बिगाड़ सकती हैं, जिसका कारण होता है आपकी स्किन का अलग अलग होना। कुछ लोगों की स्किन बेहद सेंसिटिव होती है, ऐसे में रोजमर्रा में भी इस्तेमाल की हुई चीजें उनके चेहरे के लिए बेहद घातक हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो खास चीजें। नींबू। जी हाँ, अक्सर ही लोग नींबू के रस का इस्तेमाल अपने चेहरे को ग्लोइंग करने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार यह आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने की बजाय उसे बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि नींबू में मौजूद होता है बेहद अधिक मात्रा में सिट्रिक एसिड, जो आपके चेहरे पर रैशेस ला सकता है, लाल चकत्ते या दाने उभार सकता है। इसलिए नींबू का इस्तेमाल करने से पहले आप जरा संभल जाएं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक तरह से केमिकल माना जाता है, जिसमें मौजूद सोडा आपके चेहरे को जलाने का भी कार्य कर सकता है। वह इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लोइंग होने के बजाय आपका चेहरा काला पड़ जाएगा, आपके चेहरे की रंगत पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और आपका चेहरा हो जाएगा बर्बाद। टूथपेस्ट। अक्सर ही लोगों को कहा जाता है, पिंपल हो गया है, टूथपेस्ट लगा लो, यह ठंडा देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टूथपेस्ट लगाने से किसी भी तरह की पिंपल्स या ब्लैक हेड्स गायब नहीं होते हैं, उल्टा या उन्हें और अधिक रेड करके आपके चेहरे पर उभार देता है, या इसमें मौजूद जेल के नाम पर जो केमिकल आप अपने चेहरे पर लगाते हैं उससे कालापन भी आ जाता है। मसूर दाल। मसूर दाल यूं तो आपके चेहरे के लिए बेहद लाभकारी होती है, लेकिन इसका प्रयोग करते समय यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो ये आपके चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ भी सकती है। दोस्तों, मसूर दाल जैसे ही पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, ये तुरंत ड्राई हो जाती है। ऐसे में यदि आप अपना चेहरा फैलाते हैं या कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो यह आपके चेहरे पर दरारें उभार देती है, जिससे आपकी स्किन फट भी सकती है, ब्लड भी आ सकता है। इसलिए मसूर दाल का प्रयोग करने से पहले बेहद सावधानी बरतें, यह बेहद सख्त होती है। विटामिन ए। विटामिन ई का प्रयोग तो अक्सर ही लोग अपने चेहरे पर कर लेते हैं, लेकिन इसे कभी भी आपको अपने चेहरे पर डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, हमेशा इसे एलोवेरा जेल के साथ ही मिलाकर लगाएं, अन्यथा आपके चेहरे पर लाल दाने, खुजली या फिर सूजन की समस्या भी उभर सकती है। राइस फ्लोर। चावल के आटे को आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए या फिर ग्लोइंग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन चूंकि चावल का आटा बहुत ही रूखा होता है, इसलिए यदि आप इसे अपने चेहरे पर लगा के इसे रगड़ देते हैं या फिर बेसन या चावल के आटे को मिलाकर पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो ये आपके चेहरे को ड्राई करने के साथ साथ इचिंग और जलन की समस्या भी उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपकी त्वचा बेजान और रूखी हो जाएगी। दोस्तों, इन चीजों का सेवन यदि आप करते हैं तो संभल कर करें, किसी परामर्श के तहत करें। यूं ही किया गया मेकअप या ऐसे ही पदार्थों का किया हुआ सेवन आपके चेहरे की सुंदरता को बनाने की बजाय बिगाड़ देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो, आपको हमारी यह वीडियो शेयर कर लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।